आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि कोशिका की खोज कैसे हुआ, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का खोज कब हुआ। ये 9th में भी पढ़ना है आपको, कोशिका में 11th में भी पढ़ना है और जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी आपको डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ना क्या काफी जरूरी है। तो चलिए डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग बात करते हैं। तो कोशिका का जो खोज जो पॉसिबल हो पाया, कोशिका का जो अध्ययन आगे बढ़ पाया, उसके पीछे लॉजिक जाता है किसको, माइक्रोस्कोप को। किसको जाता है, माइक्रोस्कोप को जाता है। यानी कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही कोशिका का मतलब कि ना अध्ययन पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। किसने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने किसका अध्ययन किया, कॉर्क का अध्ययन किया। और जब उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क का अध्ययन किया तो उनको कॉर्क में कैसा दिखाई दिया, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दिया। एक बॉक्स लाइक रचना दिखाई दिया, जिस बॉक्स लाइक रचना को ही उन्होंने क्या कहा, कोशिका कहा। कोशिका यानी कि उन्होंने क्या उस समय सेल कहा, क्या कहा, सेल कहा, CEL, सेल मतलब कोशिका ही होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया था। ठीक है, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसकी सहायता से, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, जब उन्होंने किसका अध्ययन किया था, कॉर्क का अध्ययन किया था, जो कि प्लांट से प्राप्त होता है कॉर्क। इस कॉर्क का अध्ययन किया तो उस कॉर्क में उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कैसा रचना दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दिया। आप जो मधुमक्खी के छत्ता को देखिएगा तो उसमें कुछ ऐसा ऐसा मतलब छोटा छोटा ना पोर पाया जाता है। ठीक ना, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया है, सेल नाम दिया, यानी कि कोशिका दिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का डिस्कवरी किया, किसने, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का डिस्कवरी किया, वो कोशिका जो था वो कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, मतलब कि मरल कोशिका था। जिंदा वाला का इन्होंने खोज नहीं किया था, इन्होंने मरल वाला कोशिका का खोज किया था जिसको मृत कोशिका बोला गया। और उसमें भी जंतु कोशिका था कि पातर कोशिका था। तो मैंने आपको बताया क्या चीज की, कॉर्क जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, प्लांट से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का डिस्कवरी किया वो कैसा था, मृत पादप कोशिका। रॉबर्ट हुक ने किसका डिस्कवरी किया, मृत पादप कोशिका का डिस्कवरी किया। अब दूसरा, इसके बाद आए ना डच वैज्ञानिक थे, कहां के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे। उनका नाम था अंटन वान लीवेनहॉक, ऐसे हिंदी में लिखा जाता है, अंटन वान लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, 1674 ईस्वी में इन्होंने जो खोज किया वो जंतु कोशिका का खोज किया। कैसी कोशिका का, जंतु कोशिका का खोज किया। और ये जो जंतु कोशिका जो था वो कैसा था, लिविंग सेल था। लिविंग सेल का मतलब क्या हो गया, उनका उनके द्वारा जो कोशिका का खोज किया गया वो आपका जीवित कोशिका था। कैसी कोशिका था, जीवित कोशिका। तो याद रखिएगा कि डच वैज्ञानिक अल्टर वान जो थे, कहां के वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1674 ईस्वी में जंतु कोशिका का खोज किया, यानी कि वो जो जंतु कोशिका जो था वो कैसा था, जीवित कोशिका था। यदि आपसे पूछा जाए कि मरल कोशिका का खोज किसने किया तो क्या बोलेगा, रॉबर्ट हुक। और जिंदा कोशिका का खोज किसने किया, तो अंटन वान लीवेनहॉक बोलेगा। ठीक है, इसीलिए आप याद रखिएगा क्या चीज की, रॉबर्ट हुक को हम ना फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, मतलब कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, मतलब बाबूजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट
हुक को बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका बैक्टीरियोलॉजी, क्या चीज, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का फादर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि आपका बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या, जीवाणु का अध्ययन, यानी कि उन्होंने जो सबसे पहले कोशिका का खोज किया था वो जीवाणु कोशिका ही था, जीवाणु का ही अध्ययन वो कर रहे थे, और जीवाणु जंतु के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है, लीवेनहॉक को बोला जाता है, याद रखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, रॉबर्ट हुक, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है, अल्टन वान लीवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने कैसी कोशिका का खोज किया था, जीवित जंतु कोशिका का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने किसे खोज किया था, मृत पादप कोशिका का खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ये आए 1831 ईस्वी में, मतलब कि इनका जो डिस्कवरी जो था, जो भी जिस चीज का, वो 1831 में था। अब जन्म कहीं हुआ था ये पता नहीं हमको, इनका जो जन्म हुआ था इनके मम्मी पापा को पता होगा, ठीक है, हमको पता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किया, कब काम किया था वो हमको पता है, वो 1831 ईस्वी में काम किया, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने एक खोज किया, किसका, क्या खोज किया, तो कोशिका के अंदर में एक क्या होता है, गोलाकार रचना पाया जाता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, एक गोलाकार रचना पाया जाता है, जिस गोलाकार रचना को उन्होंने क्या नाम दिया, केंद्रक नाम दिया, क्या नाम दिया, केंद्रक। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और कब किया, तो 1831 ईस्वी में किया था, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। उसके बाद याद रखिएगा क्या चीज, कि एक आया पुरकिंजे नाम का वैज्ञानिक आया, कौन आया, पुरकिंजे आया, ठीक है, 1839 ईस्वी में, कब आया, 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, ठीक है। देखो 1839 ईस्वी में आया कौन, पुरकिंजे, पुरकिंजे इन्होंने क्या देखा कि कोशिका के अंदर जो होता है ना वो क्या होता है, अर्ध तरल, क्या चीज, पुरकिंजे ने क्या बोला, अर्ध तरल, अर्ध तरल दानेदार, क्या चीज, अर्ध तरल दानेदार जीवित पदार्थ पाया जाता है, जीवित पदार्थ को देखा, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, अर्ध तरल दानेदार जीवित पदार्थ पाया जाता है, और इसी अर्ध तरल दानेदार जीवित पदार्थ को किसने, पुरकिंजे ने क्या नाम दिया, जीव द्रव नाम दिया, जीव द्रव्य, जीव द्रव, जिसको हम इंग्लिश से बोला करते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो याद रखिएगा आपको क्या चीज, कि अर्ध तरल दानेदार जीवित पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं, और इस अर्ध तरल दानेदार जीवित पदार्थ का नाम जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, कब दिया था, 1839 ईस्वी में दिया था, कब दिया था, 1839 ईस्वी में दिया था। उसके बाद 1839 में ही एक और आए, देखिए 1839 और 1838 की बात है, 1838 में एक वैज्ञानिक है जो उसका नाम था स्लाइडेन, और यह एक वनस्पति वैज्ञानिक था, कैसा वैज्ञानिक था, वनस्पति वैज्ञानिक मतलब पेड़ पौधा का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था, कैसा वैज्ञानिक था, वनस्पति वैज्ञानिक था, कौन, स्लाइडेन, स्लाइडेन जो था वह आपका कैसा वैज्ञानिक था, वनस्पति वैज्ञानिक था, मतलब कि पेड़ पौधा का अध्ययन करता था, वनस्पति वैज्ञानिक को हम बोलते हैं बोटनिस्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोटनिस्ट इंग्लिश में बोला करते हैं। एक स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में क्या बोला कि जो पादप जो होता है, पादप मतलब पेड़ पौधों का जो शरीर जो होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, पेड़ पौधों का शरीर किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है, पेड़ पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, ऐसा कौन बताया, स्लाइडेन ने बताया, ठीक है।
और एक थे 1839 में आने वाले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब 1839 में अपना डिस्कवरी दिया था, उनका नाम जो था वो स्वान था। क्या नाम था? स्वान था। और एक जंतु वैज्ञानिक थे, कैसा वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक, यानी कि जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा। तो जूलॉजिस्ट थे तो जंतु वैज्ञानिक, जंतु विज्ञान का अध्ययन करते थे। तो इन्होंने जो भी डिस्कवरी दिया होगा किसके बारे में दिया होगा? जंतु के बारे में दिया था। तो इन्होंने भी कह दिया क्या चीज की जंतुओं का शरीर जो होता है, जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, ठीक ना। यानी कि स्लाइडर ने क्या बोला, पेड़ पौधों का शरीर जो है वो किसका बना होता है? सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। उसी तरीके से स्वान ने क्या बताया, जंतु का शरीर जो होता है वो किसका बना होता है? सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। तब इसमें एक और आया, इनका नाम था विर्चो, 1855 में। कब एक वैज्ञानिक आया? 1855 में। मतलब कि वैज्ञानिक आया नहीं, जन्म नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मतलब अपना योगदान दिया 1855 में। 1855 में एक वैज्ञानिक ने बोला, विर्चो नाम था उनका। क्या नाम था? विर्चो। इन्होंने बोला क्या चीज कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है, निर्माण जो होता है वह पहले वाला कोशिका से, यानी कि पुरानी कोशिका के, कोशिका विभाजन द्वारा, होता है। क्या बोला इन्होंने कि जो नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह पुरानी कोशिका में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, याद रखेगा। यानी कि इसको बोला गया न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि पहले से पाई जाने वाली कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि कोशिका विभाजन के द्वारा। ये बात कब बताया गया था? 1855 ईस्वी में, ठीक है। तो इतना चीज को आप जान गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, ठीक ना, कि जो एक आपका जो साधारण माइक्रोस्कोप जो था, माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद एक उन्नत माइक्रोस्कोप आया। उस उन्नत माइक्रोस्कोप का जो निर्माण किया किसने किया? तो ल्यूवेनहॉयक, या हॉक भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत है, ल्यूवेनहॉयक। उसके बाद एक आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप क्या करता है, क्या है? तो छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता था। तो साधारण माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन क्षमता था, बड़ा करके दिखाने का क्षमता था, कौन था? और मॉडिफिकेशन हुआ, उन्नत माइक्रोस्कोप आया, मतलब और बड़ा करके दिखाता था। इतना से भी काम नहीं चला तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। किसका डिस्कवरी हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, जिसका जो क्षमता जो था किसी भी छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाने का, इस तीनों में सबसे ज्यादा था। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी किया था वह एम नॉल एंड ई रस्का, उनका नाम था ई रस्का, एम नॉल एंड ई रस्का ने किसका डिस्कवरी किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था। किसने किया था? एम नॉल एंड ई रस्का। साधारण माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक, उन्नत माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉयक, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन? एम नॉल एंड ई रस्का। क्लियर है? तो आज के वीडियो सेशन में इतना रखते हैं, फिर इसके बाद वाले वीडियो सेशन में हम लोग लेकर आएंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत। ऐसे कोशिका सिद्धांत में कुछ खास है तो अवश्य नहीं गया, ठीक ना। 1838 और 1839 में दोनों इन्होंने अपना दोनों मत को एक साथ मिला दिया, बोल दिया कि कोशिका सिद्धांत है। यानी कि इसमें बोल दिया कि पेड़ पौधा भी जीवित होता है, जंतु भी जीवित होता है, मतलब कि जीवों का शरीर जो होता है वो कोशिका का बना होता है, कोशिका सिद्धांत का पहला बात हो गया। जब इन्होंने आके 1855 में बोल दिया क्या कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है पुरानी कोशिका के कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, तो उस कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया,
मॉडिफाई करके मतलब उसमें जोड़ दिया गया क्या चीज की कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है वह पुरानी कोशिका के कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं, यही दो पॉइंट आपके कोशिका सिद्धांत में पढ़ना है। फिर आपको यह पढ़ना है कोशिका सिद्धांत किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, वायरस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक ना। तो क्यों नहीं होता, इन तमाम चीजों का जानकारी हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना एंजॉय।